पपेट एक माध्यम ऐसा भी है जिसमें आप जो कहना चाहो कह सकते हो, इसीलिए इसका नाम मुफट है। पहली बार जैसे ही मैंने इस पपेट का सहारा लिया तो ये पपेट मेरा सहारा बन गई, और उसके बाद मैंने इसको छोड़ा नहीं और इसने मुझे छोड़ा नहीं। तो मैं पपेट झोले में रखता हूँ और अपनी बात ऐसे कहता हूँ, मैं पीछे रहता हूँ और पपेट ऐसे बात करती है। आज मेरे को बड़ा असमंजस था क्योंकि मेरे हाथ में ये मुफट महाराज थे। मन में धुकड़ पुकड़ थी कि यार पता नहीं हम जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। फाइनली हम गए और मैं राहुल जी के पास गया और तुरंत मैंने पपेट निकाला। राहुल जी ने ये देखा, बहुत प्रभावित थे, उन्होंने कहा यार कैसे चलाते हो? तो मैंने उनको चला के बताया, फिर उन्होंने भी चलाया। उनका इस तरह करते क्या हो? मैंने कहा जो आप कर रहे हो वो मैं करता। और मैंने सीरियसली उनको कहा, मैंने कहा राजस्थान में योजना तो बहुत है, बहुत अच्छी अच्छी है, यहाँ 14 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी, आज 1 करोड़ लोगों को मिलती है, और भारत सरकार 200 रुपये देती है, आज भी 200 रुपये दे रही है, और ये राजस्थान सरकार 750, 1500, 1000 ये पेंशन देती है। यहाँ पालनहार है, एक विधवा के 3 बच्चों को पालनहार मिलता है।